Dear students now we are going to study the SPSS toolbar in order to effectively or efficiently use this software we need to understand the various icons shown in the uh, output view or the data view so that you can easily use those icons SPSS toolbar is actually shown in the upper section of the both uh, interfaces or the windows

अगर आपने कोई फ़ाइल ओपन करनी है तो आपने जो है इस फाइल आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा कि आपने फ़ाइल कहाँ से ओपन करनी है ये जो आपको फ्लॉपी स्टाइल आइकॉन नज़र आ रहा है ये आइकॉन जो है हम यूज़ करते हैं टू तो सेव द डॉक्यूमेंट और द टू तो सेव द एंट्रीज़ वी मेड इन दिस सॉफ्टवेयर और इन एनी फाइल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर तो जब आप कोई एंट्री कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं हम आ, इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं राइट right क्लिक करते हैं तो आपका डेटा जो है ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है दिस आइकॉन ऑफ द प्रिंट इज़ टू प्रिंट द डेटा सेट अगर आप चाहते हैं कि आपने जो डाटा एंट्री किया है उसका आपने प्रिंट लेना है तो आप इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो प्रिंट के डायलॉग बॉक्स पर ले जाएगा और वहाँ से आप प्रिंट कर सकेंगे एंड दिस आइकॉन इज रिकॉल रिसेंटली यूज डायलॉग ये आपको बताएगा कि आपने कौन से एनालिसिस किए हैं और वो आपको uh, उनका एक मेमरी uh, शॉर्ट दे देगा तो आप इसको यूज़ करते हुए री रन कर सकते हैं एनालिसिस को एंड दिस रिवर्स एरो इज एज अ आईकॉन इज शोइंग द ऑप्शन ऑफ अन डूइंग एनी एक्शन अगर आपने कोई एंट्री गलत कर ली है कोई एनालिसिस गलत परफॉर्म कर लिया है तो आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो एंट्री आपने गलत की है या जो एनालिसिस आपने गलत परफॉर्म किया है आप उसको अंडू कर सकते हैं यानी उसको ख़त्म कर सकते हैं और आ, ये जो स्ट्रेट साइड पे हाँ एरो शो हो रहा है इसको कहते हैं रीडू अ यूजर्स एक्शन यानी अगर आपने कोई एक एक्शन किया आप उसको रीडू करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं दिस आइकॉन इज़ फॉर टू गो टू केस आपके पास 500, 600 या 5000 का डाटा सेट है आपने उसमें एक पर्टिकुलर केस देखना है यानी आप चाहते हैं कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्डेंट नंबर 205 पे एंटर की है आप उसको देखना चाहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है या उसकी आप पर्टिकुलर्स देखना चाहते हैं तो आप इस अगर आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उधर आप वो सीरियल नंबर डालेंगे तो ये डायरेक्ट आपको उस केस पे ले जाएगा आपको सॉफ्टवेयर में स्क्रोल डाउन नहीं करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को गो टू वेरिएबल आइकॉन ये आइकॉन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि इन विच वेरिएबल यू आर इंटरेस्टेड तो आपके जो डिफरेंट वेरिएबल है फ्रॉम एस पी एस एस में एक से लेके एक हज़ार वेरिएबल भी हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं तो आपके पास जब इतना बड़ा डाटा सेट है तो आप बजाय के स्क्रॉल डाउन करके देखें एक एक वेरिएबल को आप ये आइकॉन यूज़ करते हैं आप कहते हैं कि मुझे वेरिएबल नाम नंबर नाइनटी नाइन पर ले जाओ तो ये इससे आपको वहाँ पे ले जाएगा और ये जो आइकॉन है वेरिएबल्स ये आपको वेरिएबल के इंफॉर्मेशन के वो उसका मेजरमेंट लेवल क्या है उसका कोड्स क्या है उसके नेम क्या लेबल है उसके बारे में बताता है इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट यू कैन क्लिक ऑन दिस आइकॉन जो कि देख दूरबीन का आइकॉन आपको लगता है इसको आप कंट्रोल एफ और कंट्रोल एच करके भी फाइंड कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर कोई एक ऑब्जर्वेशन फ़ाइंड करनी है अगर आपने इंसर्ट के करने हैं कोई न्यू केसेस तो आप ये आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट केसेस पे आपको ले जाएगा अगर आपने पर्टिकुलरली एक वेरिएबल एंटर करना है तो इस आइकॉन पर क्लिक करें या फिर एडिट में जाके इंसर्ट वेरिएबल की कमांड पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपको कहेगा कि आपने यहाँ आप वेरिएबल ऐड कर लें सप्लिट फाइल अगर आपने एक फ़ाइल को दो जगह सप्लेट करना है इस आइकॉन पे या फिर डाटा में जाके जो सप्लिट फाइल की कमांड है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी फाइल को सप्लिट कर सकते हैं सेलेक्ट केसेस एस पी एस एस में समाइम हम डाटा फिल्टरिंग करते हैं उसको हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे तो या तो उसको डाटा में की टैब पे जाके कर सिलेक्ट केसेस की कमांड यूज़ करेंगे या सिंपली अगर इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट केसेस पे आपको ले जाएगा वैल्यू लेबल्स एस पी एस एस में डाटा जो है नुमरिक कोड्स में एंटर होता है यानी वन टू थ्री फोर फाइव की शेप में और बाद में हमने जो उस कोड्स को लेबल दिए होते हैं वो हम उसमें एंटर करते हैं तो सम टाइम अगर आप देखना चाहते हैं कि वन को आपने कौन सा लेबल दिया है तो इस कमांड के थ्रू आप वो देख सकते हैं यूज़ वेरिएबल सेट्स अगर आपने कोई एक सेट ऑफ़ वेरिएबल बनाना है तो इस आइकॉन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक वेरिएबल न्यू डिफ़ाइन कर सकते हैं और अगर आप देखना चाहते हैं तमाम वेरिएबल्स तो इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो वो तो आपको तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो शो हो जाएंगे